Hello students, in the last video we have studied f to omega conversion. That means जब आपके आंसर f के फॉर्म में गिवन हो तो उसे आप ओमेगा के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. Now in this video we will study more concept on Fourier transform and first concept we will study is condition for distortion-less transmission through LTI system. ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो है आपका डिस्टॉर्शन-लेस ट्रांसमिशन थ्रू LTI सिस्टम. ये हमें स्टडी करना है. तो ये डिस्टॉर्शन-लेस ट्रांसमिशन क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, हम सब कुछ यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक LTI सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ. दिस इज माई LTI सिस्टम जो कि मैं यहाँ पर HT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो आपका इनपुट है वो आपका XT है और जो आपका आउटपुट है वो आपका YT है. ठीक है, अब डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम की क्या मीनिंग होती है. डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम की मीनिंग ये होगी कि जो आपका आउटपुट YT है वो इस फॉर्मेट में हो AX T - T0. इसकी क्या मीनिंग है ये भी हम समझ लेते हैं. दैट मीन्स देखिए जो आपका इनपुट है वो एज इट इज़ आउटपुट में आ गया बट आपका एम्पलीट्यूड A से मल्टीप्लाई हो गया और टाइम में शिफ्टिंग हो गई. तो ये डिस्टॉर्शन लेस क्यों है, तो हमें ये बात समझनी होगी कि एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई होने या टाइम में शिफ्टिंग होने से सिग्नल के शेप में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है ना, सिग्नल अगर आपका साइनोसॉडल है तो वो साइनोसॉडल ही रहेगा, उसके शेप में चेंज नहीं आएगा. सिग्नल थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है ना, T0 के कारण, या सिग्नल आपका अटेन्यूएट या एम्पलीफाई हो सकता है A के कारण, बट उसके शेप में चेंज नहीं आएगा. लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर x की जगह x² हो जाता तब उसके शेप में क्या हो जाता, चेंज हो जाता. तो एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई होने या टाइम में डिले होने से सिस्टम आपका डिस्टॉर्शन लेस ही रहता है. ठीक है ना, तो आउटपुट AX T - T0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम हमारा क्या है, डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम है. नाउ यहाँ पर अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं इस आउटपुट के इक्वेशन का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y ओमेगा. अब हम ओमेगा में आंसर लिख सकते हैं ना, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया है f टू ओमेगा कन्वर्जन. तो कितना हो जाएगा AX ओमेगा × e की पावर - j ओमेगा T0. ठीक है ना, हमने स्टडी कर रखी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती थी f के फॉर्म में, e की पावर - j 2 पाई f T0. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर - j ओमेगा T0. तो यहाँ पर आप अगर देखें ट्रांसफर फंक्शन जो कि आपका होगा y ओमेगा अपॉन x ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर - j ओमेगा T0 × A. आपने अगर यहाँ पर HT लिया है तो आप चाहें तो इसे h ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है ना, HT का फोरियर ट्रांसफॉर्म h ओमेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आ गया A e की पावर - j ओमेगा T0. और अगर आप चाहते f के फॉर्म में लिखना तो वो भी आप लिख सकते हैं A e की पावर - j 2 पाई f T0. क्लियर है अच्छे से. नाउ इस ट्रांसफर फंक्शन का थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं. सपोज करिए अगर इस ट्रांसफर फंक्शन का मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं, दैट इज mod of h ओमेगा. तो हमें पता है कि e की पावर - j ओमेगा T0 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना. e की पावर - j थीटा क्या होता है, cos थीटा - j sin थीटा. इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, √cos² थीटा + sin² थीटा. आंसर क्या हो जाएगा, 1. तो mod of h ओमेगा आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ A. अब अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल of h ओमेगा ये कितना हो जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी अभी बोला कि e की पावर j थीटा का फॉर्मेट होता है. तो e की पावर में j के साथ जो भी होगा वो सारा का सारा क्या होगा, थीटा. तो यहाँ पर j के साथ आपका क्या है, -ओमेगा T0. तो यहाँ पर एंगल हो जाता है -ओमेगा T0. आप जो इसकी यूनिट है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं. ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन/सेकंड और T0 की यूनिट होती है सेकंड. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियन, जो कि एंगल की यूनिट होती है आपकी. क्लियर है अच्छे से. तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम के लिए मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, क्या कंक्लूजन यहाँ मैं निकाल सकता हूँ. कि फॉर डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इज कांस्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैग्नीट्यूड आपका आया है वो कितना आया है, ए जो कि कांस्टेंट है, एंड फेज रिस्पॉन्स इज लीनियर। आप देख सकते हैं फेज जो है आपका वो लीनियर फंक्शन ऑफ ओमेगा है, लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम की ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इज कांस्टेंट एंड फेज रिस्पॉन्स इज लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम चाहें तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो मॉड ऑफ एच ओमेगा वर्सेस ओमेगा अगर हम ड्रॉ करें तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ओमेगा के साथ चेंज नहीं हो रहा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच देंगे। नाउ सेकेंड, अगर एंगल को हम ड्रॉ करें यहाँ पर ओमेगा के रेस्पेक्ट में, एंगल ऑफ एच ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस ओमेगा टी नॉट है। ये माइनस ओमेगा टी नॉट की क्या मीनिंग है, आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया है एंगल ऑफ एच ओमेगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं एंगल और मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को। क्लियर है अच्छे से? नाउ तो ये था हमारा डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन थ्रू LTI सिस्टम। एक और कंसेप्ट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल डेंसिटी। स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपकी क्या होती है, यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में हम एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी स्टडी करते हैं। तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपकी होती क्या है, तो जो आपकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है वो होती है आपकी मॉड ऑफ एक्स ओमेगा का स्क्वायर, या आप चाहें तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ XF का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब कुछ कंसेप्ट मैं ओमेगा के फॉर्म में डिस्कस करूंगा आपसे। तो यहाँ पर आप देखिए मॉड ऑफ एक्स ओमेगा का स्क्वायर, ये किसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये है स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ XT, ठीक है। तो यह आपने स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ XT कैलकुलेट कर ली है मॉड ऑफ एक्स ओमेगा का स्क्वायर करके। मतलब बहुत ईजी होगा आपके लिए, आपको सिर्फ एक्स ओमेगा निकालना होगा, उसका मॉड लेना होगा और आपको स्क्वायर करना होगा, आपकी निकल जाएगी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। क्लियर है अच्छे से? जैसे आप चाहें तो एक एग्जांपल देख सकते हैं सिंपल सा। हमने XT इक्वल टू ई की पावर माइनस 80 UT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या देखा हुआ है, एक्स ओमेगा इज इक्वल टू 1/a प्लस जे ओमेगा। हमने f के फॉर्म में देखा था 1/a प्लस जे 2πf, तो 2πf की जगह आप ओमेगा रख दीजिए, तो ये आपका आ गया x ओमेगा इज इक्वल टू 1/a प्लस जे ओमेगा। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो आपका x ओमेगा आया है, अब अगर मुझे XT की स्पेक्ट्रल डेंसिटी चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम मॉड ऑफ एक्स ओमेगा करेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स ओमेगा आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आंसर आ गया 1/a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी XT की कैलकुलेट हो गई। नाउ एक छोटा सा एनालिसिस आप देखिए यहाँ पर। सपोज करिए आपका कोई LTI सिस्टम है जिसका आउटपुट है YT, इनपुट है XT और सिस्टम है आपका HT। सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो HT से शो किया जा रहा है, ठीक है। YT जो है LTI सिस्टम का आउटपुट है और जो XT है वो आपका LTI सिस्टम का इनपुट है। अगर मैं बोथ साइड यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो y ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, x ओमेगा इंटू h ओमेगा। हमने कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी स्टडी की है कि अगर टाइम डोमेन में कॉन्वॉल्व हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर अब आप देखिए अगर मैं बोथ साइड मॉड लेके स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ y ओमेगा स्क्वायर, मॉड ऑफ x ओमेगा स्क्वायर, मॉड ऑफ h ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो मॉड ऑफ y ओमेगा स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ आउटपुट, मतलब YT की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी। मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट इनटू मॉड ऑफ एच ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, मतलब सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के मॉड का स्क्वायर। तो ये हमने रिलेशनशिप डेवलप कर दिया है आउटपुट की स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड इनपुट की स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बीच में। तो जब भी आपको इनपुट की स्पेक्ट्रल डेंसिटी गिवन हो और आपको गिवन हो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं आउटपुट की स्पेक्ट्रल डेंसिटी। क्लियर है अच्छे से? नाउ यहाँ पर एक दो कंसेप्ट आपको और समझने होंगे स्पेक्ट्रल डेंसिटी के केस में। ध्यान से याद करिएगा, रेले एनर्जी थ्योरम हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियोस में, तो वहाँ पर रेले एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि इसके थ्रू आप एक्सटी की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वो थ्योरम कुछ ऐसा था, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, एक्स टी के मॉड का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर अब, तो 1/2 पाई, तो मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एक्स टी। ठीक है ना? क्लियर है अच्छे से? और साथ में क्या हो जाएगा आपका? डी ओमेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का जो एरिया है वही आपकी क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। इसे अगर आप एफ के फॉर्म में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे आप। देखिए एफ के फॉर्म में सिर्फ माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट मॉड ऑफ एक्स एफ स्क्वायर डी एफ होता है, तो ये क्या होता? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ई एस डी डी एफ। तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का एरिया आपका ऑलवेज क्या होता है? एनर्जी होती है। लेकिन हाँ, जब आप ओमेगा के टर्म्स में करेंगे तो 1/2 पाई से डिवाइड करना मत भूलिएगा। क्लियर है अच्छे से? तो ये रेले एनर्जी थ्योरम में जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअल में एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के टर्म में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? अभी हम बस फैमिलियर हो रहे हैं उससे, और कुछ भी नहीं। क्लियर? नाउ मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो सारे कंसेप्ट मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं उसके ऊपर। तो मेरा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि आपको बोला है फाइंड द एनर्जी रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिफाइंड बाय। ठीक है, तो आपको एक सिस्टम दिया हुआ है जो कि इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है आपका, आपकी इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ है। ठीक है, -1 से 1 तक रेंज है, एम्पलीट्यूड भी आपका 1 है। ठीक है, और ये आपको h ओमेगा से शो कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपका सिस्टम इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो बोला है फाइंड द एनर्जी ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम फॉर इनपुट। इनपुट आपको दिया हुआ है e⁻ t⁢ ut। तो आपको इनपुट गिवन है और आपको आउटपुट की एनर्जी निकालनी है। क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से पता है एक्चुअल में कि जो एनर्जी जो आउटपुट की होगी वो अगर आप एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल लें आउटपुट की, ESD आउटपुट की अगर आप निकाल लें, तो वो क्या होती है आपकी? ESD ऑफ इनपुट इनटू मॉड ऑफ h ओमेगा का स्क्वायर। तो अगर आप देखें मॉड ऑफ h ओमेगा स्क्वायर को, तो ये -1 से 1 के बीच में क्या है? 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। मेनली आपको ESD इनपुट कैलकुलेट करनी होगी। तो ESD इनपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? ESD इनपुट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ओमेगा का स्क्वायर। और अगर आप देखें तो ये कितना होगा? ये e⁻ t⁢ut का फॉर्मेट है, 1/a+ j ओमेगा का, जहाँ पर a कितना है आपका? 1 है। तो 1/1 + j ओमेगा, तो कितना हो जाएगा ये? 1/1 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ना? 1/1 + j ओमेगा का जब आप मॉड निकालेंगे तो √1 + ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका डिनोमिनेटर में, उसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 1/1 + ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आउटपुट की है वो आपकी आ जाएगी 1/1 + ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। क्यों लिखा हमने? क्योंकि मॉड ऑफ h ओमेगा स्क्वायर -1 से लेकर 1 तक 1 है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी अब, जो आपकी अब ओमेगा की लिमिट है, ठीक है ना, ओमेगा की जो आपकी लिमिट होगी वो अब आपकी -1 से लेकर 1 तक ही होगी, क्योंकि h ओमेगा जो है वो -1 के नीचे और 1 के ऊपर 0 है। तो 0 से आप किसी भी सिग्नल का मल्टीप्लाई करें या किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आ जाएगा। तो -1 से 1 के बीच में ही h ओमेगा आपका 1 है। ठीक है ना? तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगी? -1 से 1 के बीच में। तो अब अगर मैं एनर्जी निकालूं आउटपुट की, तो ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 पाई। अब लिमिट आपको पता है -1 से 1 के बीच में ही है और 1/1 + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आप लिखेंगे डी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अब 1/2 पाई, अब 1/1 + ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 1/1 + x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा। लिमिट क्या है -1 से 1, तो 1/2 पाई। नाउ tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 माइनस tan इनवर्स -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस π/4। तो यहाँ पर π/4 + π/4 कितना हो जाएगा हमारा π/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो 1/2 पाई इंटू π/2, तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या 1/4 जूल। तो ये आपकी एनर्जी आ गई आउटपुट की। तो आपने सिंपल कंसेप्ट यूज किया, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पहले आपने आउटपुट की कैलकुलेट की, उसके बाद फिर आपने उसका एरिया इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया और 1/2 पाई से आपने बाहर डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमें यहाँ पर कैलकुलेट हो गया एनर्जी ऑफ आउटपुट, एनर्जी ऑफ yt। क्लियर है अच्छे से। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आपका स्पेक्ट्रल डेंसिटी का और डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।